नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी निर्विरोध बने कांग्रेस के अध्यक्ष, 16 दिसंबर को होगी ताजपोशी। डोकलाम में फिर चीन ने दिखाई दादागिरी, 1800 सैनिक तैनात। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के रोड शो रद्द, रोक के बावजूद 2000 बाइकों के साथ निकले हार्दिक पटेल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, एक महिला की भी मौत। लखनऊ में कैंसर से जूझ रही दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची मंत्री स्वाति सिंह, पुलिस को लगाई फटकार। राहुल गांधी का हमला, मोदी जी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, चीन सबकी बातें करते हैं, गुजरात पर कुछ नहीं बोलते। पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर ने कहा, मणिशंकर के घर हुई थी पाक उच्चायुक्त के साथ बैठक, भारत पाक संबंधों पर हुई थी चर्चा। भाजपा की पाकिस्तान को नसीहत न दे उपदेश, भाजपा अपने दम पर चुनाव जीतती है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, हाफिज सईद के जमात उद्दावा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं पाक और दुबई के रोहिंग्या नेता। ब्रिटेन में श्वेत लड़कियों को यौन अपराध का निशाना बनाते हैं पाकिस्तानी मूल के गिरोह, चरमपंथ विरोधी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया। जीएसटी का रिफंड नहीं मिलने से निर्यातकों के फंसे 6,000 करोड़ रुपए। यमन में विद्रोही शिविर पर हवाई हमले में 26 की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।